अस्सी घाट पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ एक टेलीविज़न का प्रमुख चेहरा है, आम दर्शक इन्हें इंस्पेक्टर निखिल के नाम से जानते हैं, जो CID एक टेलीविज़न धारावाहिक है उसमें इंस्पेक्टर निखिल के रोल में अभय शुक्ला जो मूलतः इलाहाबाद से रहने वाले हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभय जी, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अभय शुक्ला है और मैं एक बहुत ही बड़ी स्थलीय प्रयाग से संबंधित रखता हूं और आज आया था काशी में तो नवीन जी मिल गए और इनसे साथ कुछ बातचीत करेंगे। और मैं कुछ साल पहले मुंबई गया था, वहाँ पे कुछ स्ट्रगल के बाद मुझे एक बड़ा सा शो था CID जिसको मैं काफ़ी सालों से मैं खुद भी देखता था और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे इसमें काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, दया, ACP, अभिजीत, पूर्वी, श्रेया, डॉक्टर तारिका साड़ुंखे, बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छे लोग हैं, इनके साथ काम करने का मौका मिला। और सदा मैं बोलूँगा कि BP सर जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं उनको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रयागराज से मुंबई के सफ़र में कौन ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया है? नहीं, प्रभावित करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। अब माननीय बच्चन साहब हैं, सबसे बड़ा चेहरा तो वही है जो प्रभावित कर सकें। और बहुत सारी फिल्में थी जो मैं देख के उनसे बहुत प्रेरित हुआ कि नहीं। और एक बहुत बड़ी घटना हुई कि मैं CMP में एग्ज़ाम दे रहा था और मैं कुछ किसी से पूछ रहा था और उस समय मेरी टीचर जो थी, जो एग्ज़ामनर जो एग्ज़ाम हॉल में थी, उन्होंने कहा कि तुम एक्टर क्यों नहीं बन जाते। तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद निकला और मुझे लगा कि हाँ यार, ये ठीक कह रही कि जब मैं अगर पढ़ने बहुत अच्छा नहीं हूँ और मेरी जो मेंटल लेवल का जो मैचिंग है अगर वो एक कलाकार से मिलता है और मैं कर सकता हूँ, तो उसी दिन से मैं फिर इस दिशा में आगे बढ़ता गया। उसके बाद फिर परिमल दत्ता हैं, जो एक बहुत बड़ा उनका थिएटर ग्रुप चलता था प्रयाग में द टाइम, उस समय इलाहाबाद नाम था, अभी प्रयाग हो चुका है योगी जी की वजह से। एंड देन उसके बाद फिर मैं वहाँ से मेहनत किया और मैं फिर मुंबई गया और उसके बाद मॉडलिंग में पहली बार काम मिला और धीरे धीरे फिर CID का सफ़र तय किया मैंने। विगत कुछ वर्षों से इंस्पेक्टर निखिल, हम चलते चलते बात करेंगे, विगत कुछ वर्षों से आप नरेंद्र मोदी जी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ सही है, मुझे उनकी विचारधारा पसंद है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ रवीश कुमार जी आए थे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मुझे लेना नहीं चाहिए ऐसे महान महान लोगों का नाम। तो उन्होंने बोला कि बनारस में मोदी जी ने कुछ किया नहीं, सड़कें बहुत ख़राब हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। जी जी। और ख़ास करके मैं उसी लिया, जब मुंबई में मैंने टेलीकास्ट देखा उनका प्राइम टाइम पे, तो माननी जो हर मंचों पर बैठने वाले और कहते हैं कि मैं चुनावी सभाओं में नहीं जाता हूँ, रवीश कुमार जी, उन्होंने बोला कि बनारस में कुछ काम नहीं हुआ है, तो मैंने कहा क्या ये सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, इसलिए मैं आया। तो मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि ये कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े मक्कार हैं ये, कि जो माननीय मोदी जी को बदनाम करने के लिए कुछ पैसों और कुछ TRP के चक्कर में कुछ भी बोले दे रहे हैं ऐसे। इंस्पेक्टर निखिल और अभय शुक्ला की नज़रों में बनारस और 80 घाट कैसा दिखता है? जैसा जो है चांद से, जब आप नासा से कुछ लोग गए थे जिन्होंने चांद की फ़ोटो ली थी तो कुछ बड़ी खूबसूरती नज़र आई थी, वैसा ही मुझे काशी में 80 घाट नज़र आ रहा है। बड़ी सफाई है यहाँ पे, आज से तकरीबन 6 साल पहले भी मैं यहाँ पे आया था, हम लोग यहाँ शूट करने बेसिकली इलाहाबाद आए थे लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बनी तो हम लोग यहाँ शूट नहीं कर पाए, इसको सब ने बहुत मिस किया। हम लोग मतलब प्रयाग के बॉर्डर से हम लोग वापस फिर देहरादून चले गए, कुछ लोकेशन का प्रॉब्लम था उस टाइम, गवर्नमेंट कुछ और थी, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा क्या क्या हुआ था उस दिन, लेकिन हमें शूट नहीं करने दिया, हम लोग वापस चले गए। और उस दिन सबका मन आने का बहुत था, मैं आया था यहाँ पर देखने के लिए, जो आज है वो कल नहीं था और जो कल था वो आज नहीं है। यहाँ पे बड़ी सफाई है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। अभय जी, कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो असहिष्णुता की बात करता है, जो भारत में असुरक्षित होने की बात करता है, तो उसको लेकर के आप जब जैसे कलाकार जब नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए नज़र आते हैं तो क्या वो उस वर्ग में कहीं अछूत से महसूस करते हैं क्या? मुझे पहली बात तो उन ऐसे बयानबाज वालों, जो बयानबाज हैं ऐसे, मुझे उन पर हंसी आती है। अगर भाई इस देश में असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, तो बगल का एक देश है बड़ा अच्छा है, आपको बड़ा टॉलेंट नज़र आएगा अगर आप चाहें तो। कमल हसन साहब जो कि टुकड़े गैंग के हेड हैं इस समय, सरगना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, अगर ऐसे लोग उनकी एक टीम बने और चाहे तो गल्फ कंट्रीज़ में चले जाएं जहां की ऐसे हिंदू आतंकवादी नहीं हैं और बहुत ही कि शाहरुख खान की गाड़ी निकलती है लोग पत्थर मार देते हैं हिंदू लोग, हम लोग मतलब बेसिकली हम लोग आतंकवाद फैला रहे हैं बिकॉज उनकी नज़र में हिंदू आतंकवादी था। और जिन्होंने कि अगर श्रीनिवासन साहब जो कि हसन साहब का बहुत ओरिजिनल नाम है और हसन साहब अपने पिताजी के नहीं हुए,
उनके पिताजी और हसन साहब दैट टाइम के फ्रीडम फाइटर थे, वो दोनों एक जेल में एक साथ बंद थे, और अपने पिता की जो आईडी थी उसको बदल के उन्होंने हसन साहब की आईडी ली, जो अपने पिता का नहीं हुआ, किन कारणों से उन्हें हसन साहब छोड़ श्रीनिवासन का टाइटल छोड़ के हसन साहब का टाइटल लिया। अब उनसे पूछना चाहिए कि ऐसी क्या स्थिति बनी, और ऐसा कौन सा आपके फादर में नहीं दिखा, एक ऐसे आदमी में दिखा जो आपके फादर का दोस्त था और दोनों फ्रीडम फाइटर थे, ऐसा कौन सा ऐसा उसके आपके पिता में नहीं दिखा जिस वजह से आपने हसन टाइटल छोड़ दिया? जो टाइटल छोड़ सकता अपने बाप का, वो इस देश का क्या हो सकता है, भगवान जाने। तो ऐसे लोगों को मुझे हंसी आती है, और मैं उनको एक असहिष्णु में शामिल हैं, मैं असहिष्णु, इस देश बिल्कुल इंटॉलरेंस है, यहाँ पे ऐसे कलाकारों को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इस देश में। जो जितने भी लोग हैं ऐसे, उनको लगता है कि यहाँ पे हिंदू आतंकवाद बढ़ चुका है, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ कि भैया मैं भी हूँ उन्हीं में, वो कृपया अगर चाहें तो हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे, चंदा इकट्ठा करके सारे हिंदू आतंकवादी उनको टिकट देंगे, वीज़ा देंगे और उनको भेजेंगे वहाँ पे। वर्तमान जो चुनाव हो रहा है 2014 के बाद का चुनाव है ये 2019 में, क्या लगता है कैसी सफलता बीजेपी को मिलने वाली है, जिसको लेकर के आप कैंपेन कर रहे हैं लगभग एक डेढ़ वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में? काफ़ी जगह से हो के आया मैं, लगभग गोरखपुर से, मऊ, गाजीपुर, लोगों से मिला, लोगों ने बात भी किया, तो उससे लगता है कि एक माहौल बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है बीजेपी और मोदी जी के लिए, और बहुत अच्छा देश में जो परिवर्तन चल रहा है कि लोग जो है डेवलपमेंट, और अब लोग जो है सड़क, बिजली, पानी और इन सब मुद्दों से ऊब चुके हैं, अब उनको कुछ बड़ा चाहिए देश को। जैसे चाइना की हम बात करते हैं, हम रशिया की बात करते हैं, हम तो हम कब तक इनसे नीचे रहेंगे, हमको इनसे ऊपर उठना है, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, टेक्नोलॉजी में हो, हर चीज़ों में, तो हमें ऊपर जाने के लिए अब इन चीज़ों को थोड़ा सा हटना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे हमें राजनीतिक मुद्दे ही लगने लगे हैं। अब इन चीज़ों से मोदी जी ने हटा दिया, अब चीज़ें बड़ी हो चुकी हैं, मुद्दे बड़े हो चुके हैं, अब जो है एक जो बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कुछ देर में जुड़ रहे हैं काशीवासी हैं गोविंद शर्मा जी। गोविंद जी कुछ आपसे सवाल पूछेंगे, जरा तैयार हो जाइए भाई। अभय जी मेरे सवाल थोड़े कठिन होंगे। मेरा ये कहना है कि कुछ समय पहले तक, कुछ वर्षों पहले तक फिल्म इंडस्ट्री में भाजपा का कोई समर्थन नहीं था, बहुत कम ऐसे कलाकार होते थे जो भाजपा का समर्थन करते थे, लेकिन अब चूँकि केंद्र में मोदी जी की सत्ता है, फिर से लग रहा है कि वापसी होगी, कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, मुंबई में भी भाजपा की सरकार है, तो एक बाढ़ सी आ गई है कलाकारों की, भाजपा का समर्थन करने वालों की, कहीं आप ही उसी बाढ़ का हिस्सा तो नहीं है? ये बाढ़ नहीं आई है, इससे पहले तक जो बाढ़ थी मतलब तो किसी और विचारधारा की बाढ़ थी, तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि विचारधारा बदली तो बाढ़ आ गई। इस समय जो लोग वहाँ पे परिवर्तित हुए हैं, उनको पहली बार समझ में आया कि देश में ये मुद्दे हावी हैं, अभी तक उनको चीज़ें गलत बताई जा रही थी। चूँकि इंडस्ट्री में मैं काफ़ी सालों से हूँ, तो उसमें कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भरा हुआ है वहाँ पे। तो कम्युनिस्टों ने क्या किया, जातिगत समीकरण को हमेशा से पकड़ के रखा कि ठाकुर विलेन होगा और हमारा जो हीरो होगा वो किसी निम्न जाति का होगा। अगर इस देश में जातिवाद पे अगर किसी ने सबसे बड़ा जहर अगर बोया है, तो उस फिल्म इंडस्ट्री ने बोया है, और फिल्म इंडस्ट्री से बोने के बाद खास करके जो है कम्युनिस्टों ने बोया है। तो जब बहुत सालों तक बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, मैं उनको जानता हूँ, उनका नाम भी बता सकता हूँ, जिन्होंने कम्युनिस्टों की विचारधारा को आगे बढ़ाया है और हमेशा इस देश में हिंदुत्व को नीचा दिखाया। आपका पुजारी जो है बलात्कारी होगा, मैं शब्द सॉरी माताओं बहनों को बोल रहा हूँ, इस टाइप से उनको प्रेजेंट किया गया कि पुजारी जो होगा करप्ट होगा, लेकिन जो नमाजी होगा, मैं किसी, अब बहुत सारे मेरे हिंदू मुस्लिम फ्रेंड भी हैं, मैं उनके नहीं कह रहा हूँ, जो कम्युनिस्ट इस देश में धर्मवाद और जातिवाद फैलाना चाहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो ईसाइयों को बिल्कुल एकदम फादर, नेशन ऑफ द फादर, गांधी जी से बड़ा उनको उनका प्रारूप तैयार कर देते हैं कि फादर करेगा तो ऐसा ही करेगा, अगर इस इमाम है या जो है मौलवी है तो पांच टाइम का नमाजी उनका हीरो होगा। लेकिन अगर जब वहाँ हिंदू की बात आती, वहाँ उनका पुजारी करप्ट होगा, शंकर जी की पूजा करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है, एक फिल्म है दिलीप कुमार ने, उसमें शिवलिंग को उठा के नाले में फेंक दिया था, तो ये चीज़ें जो है शंकर जी की मंदिरों में शोले में मजाक उड़ाया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें जहां हम देख सकते हैं, लेकिन कभी हिंदुओं ने आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं था। लेकिन जब कास्टिज्म और इन सब चीज़ों को लेके बहुत बड़ा जब एकदम अति हो गई ना, तो पानी यहां तक भर जाता है, और जब पहली बार 2014 में 2014 में जब लगा कि भाई हिंदुओं का भी एक राजा हो सकता है, मुगलों के बाद पहली बार जब कोई हिंदू राजा आया, मतलब प्रधानमंत्री बना, जिसने कहा कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं चौकीदार हूँ और मैं सेवा करने आया हूँ, मैं तब लगा लोगों को, अच्छा ऐसा भी होता है प्रधानमंत्री,
ये राजा नहीं है, प्रधानमंत्री है ये। अच्छा ये तो ऐसे भी रह सकता है, अच्छा हमारे बीच में आ सकता है। तब विचारधारा बदली तो लोग बदले, तो हमको भी पता चला, पहली बार हमने भी देखा यार अच्छा राजनीति तो ऐसी ही होती है, तो लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा। तो जब उनको सच्चाई पता चली तो उनको लगा हम तो यार देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो अभी बना बदला और इसलिए उसमें बाढ़ आई कि भाई नेशनलिज्म और भारत के लिए हम कर क्या रहे हैं, तब बाढ़ आई उसमें। उन्होंने कहा नहीं भैया ये विचारधारा का हम परित्याग करते हैं और इस विचारधारा में आगे बढ़े। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो समर्थन है फिल्मी कलाकारों के द्वारा, वो सत्ता के कारण नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के काम के कारण है। काम तो कर ही रहे हैं, मतलब आपने पूछा कि बाढ़ क्यों आई है, बाढ़ तो काम तो वो अल्टीमेट कर रहे हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से 19 और जब आपका जो 19 का ये चुनाव होगा और शायद हम जब 20 में पहुंचेंगे 20-22 तक में, तो ये देश जैसे 80 घाट चमक रहा है ना ये। और ये जो बाबतपुर का एयरपोर्ट का रोड देख लीजिए, कल मैं वहाँ पे ड्राइव करके आया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं हिंदुस्तान में हूँ। मैं बाहर भी गया था, मुझे लगा ही नहीं कि मैं हिंदुस्तान में हूँ, मुझे लगा मैं बाहर किसी देश में ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आया, मैं 2 बार चक्कर लगा के आया मैं वहाँ पे 20 किलोमीटर। कुछ अपने आगामी प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, आगे आने वाले 1 साल क्या क्या होने वाला है? अभी कुछ दिन बाद मेरी एक फिल्म है दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर, दीनदयाल एक मर्डर मिस्ट्री है, उसमें मैंने खोजी पत्रकार आपकी भूमिका मैंने अदा की है, और दीनदयाल जी को किस तरह से मारा गया था उस पर मैंने खोजी पत्रकार के तौर पर बड़ा अच्छा काम किया है, और मोहित करेक्टर है उसमें, और जितना हो सकता है कि मैंने उस करेक्टर को जीवित करने की कोशिश की है। और मैंने पहली बार कुछ सवाल उसमें उठाए हैं, शायद लोग देखेंगे तो उनको बड़ा मज़ा आएगा कि दीनदयाल जी को किस तरीके से मारा गया था और कौन कौन इसके पीछे थे, कौन कौन लोग। चलिए हमारे साथ अभय शुक्ला जी जो थे, जो CID फेम इंस्पेक्टर निखिल के रोल में, और तमाम कुछ और भी धारावाहिक हैं जिनमें और वेब सीरीज में अभय शुक्ला जी ने अपना काम किया है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।